गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन. बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रिक्शंस. मींस कि अगर हमारे पास लाइक फ्रिक्शंस होंगी तो हम उनको कैसे ऐड करते हैं और कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं. ऐड मींस प्लस करना और सब्ट्रैक्ट मींस माइनस करना. जैसे कि ये एग्जांपल बहुत छोटी सी एग्जांपल है, 2/5 प्लस 1/5. देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, सो मींस दोनों ही लाइक फ्रैक्शंस है. अब जब हम इनको प्लस करेंगे तो बेटा हम क्या करेंगे, एक बड़ी लाइन लगाते हैं ऐसे करके, और जो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो इसको हम 2 times नहीं लिखेंगे, इसको हम 1 time लिखेंगे. और ऊपर जितने भी न्यूमिरेटर हैं, एक न्यूमिरेटर 2 है और एक है 1, और हम इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस. देन 2 + 1 = 3, और नीचे डिनोमिनेटर सेम आएगा. ठीक है, आपने ये गलती नहीं करनी है कि 5 + 5 = 10 कर दोगे. नो, आपने सिर्फ किसको प्लस करना है, न्यूमिरेटर्स को, और डिनोमिनेटर क्योंकि पहले ही सेम है तो हमने उसको आंसर तक सेम रखना है. ओके, सो इसी के बेस्ड आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ऐड द फॉलोइंग फ्रैक्शंस. अब देखो बेटा, ये है 5/13 प्लस 7/13. अब देखो इसमें दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 13, 13. सो इट मीन्स ये लाइक फ्रैक्शंस होगी, और जब हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस होती हैं हम सिर्फ किसको प्लस करते हैं, न्यूमिरेटर्स को. तो इट मीन्स अब हमने किसको प्लस करना है, 5 और 7 को. 13 और 13 को प्लस नहीं करना है. ये रूल है, आप याद रखिए, जब भी लाइक फ्रैक्शंस होंगी हमने सिर्फ न्यूमिरेटर्स को प्लस करना है, डिनोमिनेटर्स को सेम लिखना है. 5 + 7 = 12. नीचे इन 2 13 थे, इसको मैंने सिर्फ 1 time लिखा और आंसर में 12/13 आपका फाइनल आंसर आ गया. ठीक है, देखिए बी पार्ट, 9/16 प्लस 9/16. दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसको हम सिर्फ 1 time लिखेंगे और ऊपर हम करेंगे 9 + 9 = 18/16. और आपका आंसर पीछे ऐसे भी आ सकता है, 1 × 2/16. कैसे? क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर दिया जब आप 18 को 16 से डिवाइड करोगे. अगर आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ देते हो तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे. ओके, नाउ पार्ट सी, 12 × 2/7 प्लस 5 × 4/7. अब देखो बेटा, है तो ये लाइक फ्रैक्शंस कैसे, 7, 7, लेकिन साथ में ये मिक्स्ड फ्रैक्शन भी है. तो पहले मैं क्या करूँगी, इन मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करूँगी. कैसे करते हैं, इन दोनों नंबर्स का हम टेबल पढ़ते हैं और ऊपर वाले नंबर को हम प्लस करते हैं. 12 × 7 = 84, और 84 में 2 प्लस किए, 86, प्लस 5 × 7 = 35, 35 में 4 प्लस किए, 39 by 7. ठीक है, अब देखो ये 86/7 प्लस 39/7, अभी लाइक फ्रैक्शन भी है और इम्प्रॉपर भी है. ठीक है, सो अब मैंने इसको बी पार्ट के जैसे करना है सॉल्व. 7 को सेम लिख लिया, 86 और 39 को प्लस किया, 125/7. और अब आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में फिर से चेंज कर दोगे, 125 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन बनेगी 17 × 6/7. अब ये डिवाइड में आपके लिए छोड़ रही हूँ क्योंकि हमने पीछे इनिंग्स में ऐसे सम बहुत सारे कर लिए हैं. ठीक है, नेक्स्ट डी पार्ट इज सेम. नाउ कम टू पार्ट ई. ई पार्ट इज सेम एज पार्ट सी. देखो 8 × 2/11 प्लस 5 × 3/11 प्लस 3 × 7/11. सबसे पहले इनको इम्प्रॉपर में चेंज करिए, 11 × 8 = 88 प्लस 2 = 90/11. 11 × 5 = 55 प्लस 3 = 58/11, और यहाँ पे आ गया 40/11. अब आपने 11 को एक बार लिखना, 19, 58, और 40 को प्लस करोगे आपके पास आएगा 188/11. ठीक है, और उसके बाद फिर आपने इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है, ये आपके लिए मैंने छोड़ा है. एंड नाउ पार्ट एफ, 10 × 5/9 प्लस 80/9 प्लस 5. अब देखो बेटा, 5 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो हम पहले इसको चेंज करते हैं. 10 × 9 = 90 प्लस 5 = 95 प्लस 80/9 प्लस 5. अब मैंने इसको 5 को एज इट इज़ रखूँगी. अब देखो बेटा, ये वाला क्वेश्चन सभी क्वेश्चन से डिफरेंट है और आपने इसको अच्छे से समझना. कैसे, 95 सेम लिख लिया, 80 सेम लिख लिया, और अब आपने इस वाले 9 को चाहे ये वाला 9, दोनों में से एक 9 ले लोगे और इधर 5 से करोगे मल्टीप्लाई. 9 × 5 = 45. अब आपका कॉमन डिनोमिनेटर आएगा.
ठीक है। अब आप इन तीनों नंबर्स को प्लस करोगे 220/9, और 220/9 को जब आप मिक्स रिफ्लेक्शन में चेंज करोगे तो आपके पास आएगा 24×4/9। बेटा एक ही क्वेश्चन डिफरेंट है, तो आपने सिर्फ इतना ही याद रखना है शॉर्ट में कि जो भी नीचे डिनोमिनेटर होगा उसको इस नंबर के साथ कर देना मल्टीप्लाई, 9×5=45। सो योर फाइनल आंसर इज 24×4/9। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके देन, बाय बेटा, टेक केयर।